वेरी गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में क्लास सिक्स के चैप्टर नंबर फिफ्थ फेयर प्ले के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसमें से कुछ हार्ड वर्ड पहले हम आपको राइट कराते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्ले प्ले नाटक या उपन्यास, नाटक या उपन्यास, ठीक है बेटा। प्ले मीन्स नाटक या उपन्यास। दिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ द फेमस हिंदी स्टोरी पंच परमेश्वर रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। यह पंच परमेश्वर हिंदी स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, जो कि जो इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद, यानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित पंच परमेश्वर नाटक को हिंदी में ट्रांसलेट सॉरी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। In this story, the writers has tried to prove that. Tried means प्रयास किया। Tried means प्रयास। इस कहानी में लेखक ने प्रयास किया है। क्या प्रयास किया है? To prove that when someone is elected to punch, elected means चयनित होना, elect चुनाव जैसे होता है ना। प्रूफ दैट प्रूफ मतलब सिद्ध करना, ये प्रूफ करना चाहता है या सिद्ध करना चाहता है कि समवन यानी कोई, समवन यानी कोई किसी ने, समवन या किसी कोई या किसी ने, समवन कोई या किसी ने। अगर कोई इलेक्टेड अ पंच टू गिव जजमेंट, यानी कि पंच मीन्स होता है प्रधान या मुखिया, ठीक है। इलेक्टेड मीन्स चयन किया, चयनित हुआ या चयन किया, आप समझे। जजमेंट मीन्स क्या है? जजमेंट, जजमेंट मीन्स न्याय, ठीक है बेटा। ही स्पीक्स विद द वॉइस ऑफ गॉड गिव्स अ जस्ट जजमेंट। जस्ट मीन्स सही होता है, निर्णय, न्याय निर्णय, इवन इफ इट्स अगेंस्ट हिज बेस्ट फ्रेंड, चाहे वो उसके अच्छे मित्र के या फिर उसका घन क्या कहते हैं बहुत अच्छा मित्र हो, प्यारा मित्र हो, फिर भी उसके वो क्या होगा, उसके खिलाफ ही न्याय करेगा, क्योंकि अगर वो किसी पंच की गद्दी पर बैठता है, मुखिया की गद्दी पर बैठता है। ये स्टोरी जो है बेटा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है, जो हिंदी में पंच परमेश्वर स्टोरी का नाम है, पंच परमेश्वर के नाम से लिखी गई थी, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। और इसमें जो लेखक है यह सिद्ध करना चाहता है कि जो न्याय की कुर्सी पर बैठता है, यानी जो जज होता है या मुखिया होता है या प्राइम मिनिस्टर, कुछ भी जो न्याय की कुर्सी पर बैठता है, तो वो किसी के साथ तरफदारी नहीं करता, वो निष्पक्ष न्याय देता है, यही सिद्ध करने के प्रयास किया। इस स्टोरी में उसके बारे में हम समझेंगे और जानेंगे। चलिए स्टोरी को स्टडी करते हैं, रीड करते हैं हिंदी में, हम आपको बताएंगे। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वेयर टू फ्रेंड। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी नाम के दो मित्र थे। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी नाम के दो मित्र थे। बिसाइड्स टीलिंग, टीलिंग मीन्स जोतना, टीलिंग मीन्स खेत जोतना, टीलिंग, टीलिंग मीन्स जोतना, खेत की जुताई करना, ठीक। देयर फील्ड मीन्स खेत। इन कॉमन दे कैरीड ऑन अ जॉइंट मनी लेंडिंग बिजनेस, यानी उधार लेना दे, लेंडिंग उधार लेना, बिजनेस मीन्स व्यापार, जानते हैं लेंडिंग मीन्स उधार लेना।
लेने मीन्स उधार देना, ठीक। बिजनेस मीन्स व्यापार। सो स्ट्रॉन्ग इंडीड वाज देयर म्यूचुअल फेथ। म्यूचुअल फिटनेस आपसी विश्वास, म्यूचुअल फिटनेस आपसी विश्वास, म्यूचुअल आपसी विश्वास। इन ईच अदर, एक दूसरे, दैट दे, आइदर ऑफ दे वाज अब्सेंट, अब्सेंट मीन्स अनुपस्थित। द अदर लुक्ड आफ्टर द हाउस होल्ड कोरस, हाउस होल्ड कोरस, हाउस होल्ड कोरस मीन्स घर का, घर का काम। This happened when Jumman went to the Hajj and Albu had to the go out the business. What was the secret means rahasya? Of mutual trust and confidence means विश्वास। Social or religious, religious means होता है धार्मिक। आत्मीयता, affinity means, affinity means आत्मीयता होता है, तो आप लिखेंगे religious, religious means धार्मिक, धार्मिक, आत्मीयता, affinity, affinity। आगे देखिए, नो बट अ कॉमन आउटलुक, दृष्टिकोण। आउटलुक मीन्स दृष्टिकोण, आउटलुक दृष्टिकोण। Of ideas and what better foundation means new, foundation means new means aadhar ya foundation, new ya aadhar। Could there be a lasting friendship, lasting friendship sthayi mitrata, lasting friendship sthayi mitrata, sthayi mitrata, theek। ye aapko वर्ड बिगिनर, इसको हम इस पैराग्राफ में रखते हैं, फिर अगले पैराग्राफ को बदलते हैं। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वेयर टू फ्रेंड्स। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी नाम के दो मित्र थे। बिसाइड्स स्टीलिंग देयर फील्ड इन कॉमन, दे कैरीड ऑन एयर ज्वाइंट मनी लैंडिंग बिजनेस। वो दोनों अपने खेतों को एक साथ जोतना तथा दोनों ने लोगों को पैसे उधार देने का बिजनेस भी एक साथ किया था दोनों। सो स्ट्रॉन्ग इंडीड वाज देयर म्यूचुअल फ्रेंड, उनका आपसी विश्वास ही उनकी मित्रता की सबसे बड़ी ताकत थी। इन ईच अदर,
दैट वेन आइदर ऑफ देम वाज एब्सेंट, यानी इन दोनों में से कोई अगर उपस्थित रहता था, द अदर लुक्ड आफ्टर हिज हाउसहोल्ड कोर्स, तो दूसरा उसके घर के कामों को भी देख लेता था। इतनी दोनों में गहरी मित्रता थी। दिस हैपेंड व्हेन जुम्मन वेंट टू हज एंड अलगू हैड टू द गो आउट ऑन द बिजनेस, यानी ये घटना हुई है। इसी के कारण क्या होता था कि जब जुम्मन हज पे गया, हज पे चला गया, तीर्थ स्थल होता है मुस्लिमों का, हज पे चला गया, तो क्या होता है वो जो जुम्मन हज पे जब जाता है तो अलगू उसके बिजनेस की देख रेख करता है और बिजनेस के यानी व्यापार के लिए वो बाहर जाता है। व्हाट वाज द सीक्रेट ऑफ दिस म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, यानी इनकी मित्रता का, इनके आत्मविश्वास का, इन दोनों का एक दूसरे आपसी विश्वास और आपसी सच्चाई का क्या रहस्य था, ये कोई नहीं जानता था। सोशल और रिलीजियस एफिनिटी, सामाजिक या धार्मिक आत्मीयता से जुड़े थे, ये इस बात की कोई जानता नहीं था। नो बट अ कॉमन आउटलुक एंड अ कम्युनिटी ऑफ आइडियाज, लेकिन उनका जो साधारण दृष्टिकोण तथा समुदाय और विचारों एकदम सामान्य लगता था, लोगों के जैसे सामान्य लोग थे वैसे उनका भी विचार, उनका भी दृष्टिकोण सामान्य था समुदाय के प्रति, लोगों के प्रति। एंड वाट बेटर फाउंडेशन कुड देयर बी फॉर अ लास्टिंग फ्रेंडशिप, और वो जानते थे कि स्थायी मित्रता के लिए कौन सी एक ऐसी चीज होती है जो बेटर फाउंडेशन है, वो होती है कॉन्फिडेंट, विश्वास, बिलीव, ठीक है, विश्वास। कभी किसी का विश्वास न तोड़े तो आपकी मित्रता लास्टिंग हो सकती है, यानी लास्टिंग फ्रेंडशिप हो सकती है, स्थायी मित्रता हो सकती है। इतना आपको वर्ड हार्ड वर्ड कराया गया पैराग्राफ का, और एक पैराग्राफ आपको हिंदी में एक्सप्लेन भी किया गया। तो इस चैप्टर को आप, इस पैराग्राफ को एक बार फिर से रीड करेंगे घर पे, जो चीज़ें नहीं आएंगी आप पूछ लेंगे। तो बाय बाय बेटा, हैप्पी दिवाली, मिलते हैं दिवाली के बाद, बाय बाय।